कुदरत किसी को भी विनाश का ये मंजर ना दिखाए। ये तस्वीरें नेपाल में 7 साल पहले भूकंप से हुई तबाही की हैं, जब 7.8 तीव्रता के भूकंप से नेपाल में हुआ था महाविनाश। नेपाल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान या आसपास के इलाकों में जब भी भूकंप आए हैं, झटके दिल्ली ने भी खाए हैं। ये झटके खतरनाक नहीं थे, लेकिन सरकार की एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली पर लंबे समय से मंडरा रहा है बड़े भूकंप का खतरा। बड़े भूकंप से निपटने को दिल्ली कितनी तैयार? दिल्ली में भूकंप का कितना बड़ा खतरा? दिल्ली के किस इलाके में भूकंप का खतरा ज्यादा? दिल्ली का कौन सा इलाका भूकंप से सुरक्षित? क्या भूकंप के तेज झटके सहने को तैयार है दिल्ली? ये दिल्ली है, यहाँ गगनचुंबी इमारतें हैं तो घनी बस्तियां भी। जरा सोचिए, अगर दिल्ली में बड़ी तीव्रता का भूकंप आ जाए तो कितनी तबाही होगी। ये आशंका यूं ही नहीं है, क्योंकि दिल्ली के आसपास के इलाके भूकंप के खतरनाक जोन 4 में आते हैं। यहाँ कभी भी 7 से 7.9 तीव्रता का भूकंप आ सकता है। 2001 में भुज और 2015 में इतनी ही तीव्रता से भारी विनाश मचा था। दिल्ली की घनी आबादी को देखते हुए इतनी तीव्रता के भूकंप से मचने वाले विनाश की कल्पना से ही मन सिहर उठता है। आप खुद ही देखिए, दूर नेपाल में 6.3 तीव्रता का भूकंप आया और दिल्ली में आधी रात को किस तरह खौफ मचा। 2-3 बार हिला था बैठे बैठे, तो मैंने यहाँ ड्राइवरों को बताया था, मेरे को जमीन हिल रही है, बस हल्का सा ऐसा कि कुछ हिल रहा है, बस ऐसे महसूस हो रहा है। जब सवारी उतारा तो समय सवारी कर भी क्या हो रहा है, मैंने थोड़ा धरती वगैरह तो ढूंढ ले, थोड़ा हल्का था, महसूस था, वो महसूस दिया उसके बाद। कुछ साल पहले भूविज्ञान मंत्रालय ने एक रिपोर्ट में कहा था, दिल्ली में अगर रिक्टर स्केल पर 6 से अधिक तीव्रता का भूकंप आता है तो बड़े पैमाने पर जान माल की हानि होगी। दिल्ली में आधे से अधिक इमारतें इस तरह के झटके को नहीं झेल पाएंगी। वहीं घनी आबादी की वजह से बड़ी संख्या में जन हानि हो सकती है। सिस्मिक हजार्ड माइक्रोजोनेशन ऑफ दिल्ली नाम से जारी रिपोर्ट में भूकंप के खतरे के हिसाब से दिल्ली को 3 जोन में बांटा गया है। यमुना नदी के किनारे के ज्यादातर इलाके, उत्तरी दिल्ली का कुछ हिस्सा और दक्षिण पश्चिम दिल्ली का थोड़ा सा हिस्सा सबसे ज्यादा खतरे वाले जोन में है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भूकंप के लिहाज से दिल्ली विश्वविद्यालय का नॉर्थ कैंपस, सरिता विहार, गीता कॉलोनी, शकरपुर, पश्चिम विहार, वजीराबाद, रिठाला, रोहिणी, जहांगीरपुरी, बवाना, करोलबाग, जनकपुरी सबसे ज्यादा खतरे वाले जोन में है। भूकंप के लिहाज से दूसरे सबसे बड़े खतरे वाले इलाके में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बुराड़ी और नजफगढ़ हैं। दिल्ली का लुटियन जोन भी हाई रिस्क वाला इलाका है, हालांकि यहाँ खतरा उतना नहीं जितना पूर्वी दिल्ली में है। लुटियन जोन में संसद, तमाम मंत्रालय और VPIs के आवास है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, एम्स, छतरपुर, नारायणा सबसे सुरक्षित जोन में है, हौस खास कम खतरे वाले जोन में है। दिल्ली में 15 जुलाई 1720 को 6.5 तीव्रता का भूकंप आया था, यानी करीब 300 साल पहले। तब से दिल्ली पर लगातार भूकंप का खतरा मंडरा रहा है। शुक्र है अब तक भूकंप से सुरक्षित है दिल्ली। दिल्ली NCR समेत पूरे उत्तर भारत में मंगलवार की देर रात करीब 2 बजे भूकंप के तेज झटके लगे। इसकी वजह से नेपाल में एक घर गिरने के चलते मरने वालों की संख्या 6 हो गई है। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 6.3 नापी गई है। भूकंप से लोगों में दहशत का माहौल बन गया और लोग घरों के बाहर निकल आए। भूकंप का केंद्र पड़ोसी देश नेपाल रहा। भूकंप के झटके करीब 1 मिनट तक रुक रुक कर लगते रहे।
राजधानी दिल्ली की बात करें तो दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों के अलावा यूपी, उत्तराखंड, बिहार, हरियाणा और मध्य प्रदेश तक भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। ठीक ठाक थे, महसूस हो गया था भाई जमीन हिल रही। जब मैं ऑटो से उतरने लगा तो मतलब उतरते उतरते एकदम झटका लगा मेरे को, ऑटो वालों को गया यार क्या हो गया। सीट एकदम से थोड़ी बहुत हिली एंड देन अलार्म बजा ऑफिस का कि भूकंप आया एंड अर्थक्वेक आया, देन उसके बाद हम तुरंत ही बाहर आ गए। एक्चुअली हम लोग काम कर रहे थे और ऑल ऑफ अ सडन आई मीन अर्थ शेकिंग जैसा फील हुआ। हालांकि भूकंप से भारत में किसी के हताहत होने की अब तक कोई सूचना नहीं है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप का केंद्र नेपाल के कालूखेती में जमीन के 10 किलोमीटर नीचे था। रिएक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 6.3 मापी गई, जबकि भूकंप के झटके तड़के करीब 1:57 के आसपास महसूस किए गए। वहीं रात 3:15 पर नेपाल में लगभग उसी जगह पर एक बार फिर से भूकंप का केंद्र दर्ज किया गया। जिस वक्त भूकंप के झटके दिल्ली NCR में लगे उस वक्त अधिकतर लोग सोए हुए थे और जिन्हें पता लगा वो फौरन घरों से बाहर निकल आए। एक के बाद एक लगातार आए दो भूकंपों से ठीक पहले मंगलवार को 4.4 की तीव्रता वाला एक और भूकंप का झटका नॉर्थ इंडिया के कुछ शहरों में लोगों ने महसूस किया था। लेटेस्ट अपडेट विद लकी चैनल के साथ जुड़े और पाए लेटेस्ट अपडेट्स सबसे सटीक और सबसे बेहतर।